हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नियामक ज्यामिति का एक प्रश्न बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं बताऊंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, वो भी दोस्तों ट्रिक्स है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक और वीडियो लेक्चर में बनाया था, इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारा कॉमेंट आया था, और कॉमेंट ये आया है दोस्तों कि आपने तो बताया है बहुत अच्छा, इसमें मैं पूरे डिटेल्स में बताया हूँ कि आप सूत्र का प्रयोग करके आप कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, कैसे की किन मानों के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे। लेकिन इसमें ये बोला था कि आप ट्रिक से आप कैसे मैं बनाऊंगा वो जो है सो आप बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि आप ट्रिक से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे देखिएगा, इसके बाद आप ट्रिक से जो है सो निकाल लोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, क्वेश्चन पढ़िए। जैसे मैं क्वेश्चन कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक बोलिए या नियामक बोलिए, बात क्या होता है बराबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में नियामक ज्यामिति कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो नियामक या निर्देशांक बात बराबर होता है, जिसमें आपको निर्देशांक दिया है -8.4, -6.6 तथा -3.9 दिया हुआ है ना। तो ये त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक आपको दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। अगर आपको सूत्र का प्रयोग करके अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि ट्रिक से बनाए तो ट्रिक से कैसे बनाओगे, देखिए आप केवल मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, अगर आप समझोगे नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए दोस्तों आप सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो देखिए आपको ये निर्देशांक दिया है, तो कोई निर्देशांक आप ले लीजिए, कोई निर्देशांक आपको ले लेना है। जैसे मैं देखिए -8.4, -6.6 तथा -3.9 है ना, देखिए जैसे इसको मैं ले लेता हूं, तो इसमें कितना आप जोड़ोगे जो जीरो के बराबर आ जाए, ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना आप जोड़ोगे जो जीरो के बराबर आ जाए। तो इसमें मैं कितना जोड़ूंगा, 8 जोड़ूंगा, है ना, तो जीरो के बराबर आ जाएगा। और इसमें कितना -4 जोड़ूंगा तो जीरो के बराबर आ जाएगा। देखिए, आपको कोई एक निर्देशांक ले लेना है, पहले एक बार समझ लीजिए, कोई एक निर्देशांक आपको ले लेना है और देखना है कि उस निर्देशांक में आप कितना जोड़ोगे जो कितने के बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो देखिए जीरो के बराबर आ जाएगा कि नहीं, -8 में अगर 8 जोड़ोगे तो जीरो, और 4 में अगर -4 जोड़ोगे तो जीरो हो जाएगा। देखिए, अब देखिए दोस्तों, इतना आप जोड़े तो इतना जीरो के बराबर आ गया, आ गया कि नहीं। तो यही अब जो है सो इस सब में जोड़ के, दोनों निर्देशांक में जोड़ के आपको क्या कर देना है, तो लिख देना है। तो जोड़िए, 8 और -6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा ना। अब -4 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, इसी को इसमें आप जोड़ लीजिए, आप तो 8 को और -3 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, और -4 को 9 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। इतना देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों। मैं आप लोगों को क्या बोला दोस्तों, कोई एक निर्देशांक आप ले लीजिए और इसमें कितना आप जोड़िएगा जो जीरो के बराबर आ जाए। तो देखिए, इतना मैं जोड़ूंगा 8.-4 को अगर मैं जोड़ूंगा तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को जो है सो इन दोनों निर्देशांक में जोड़ के आपको लिख देना है। जैसे इतना को, जैसे 8 को -6 को जोड़े तो 2 हो गया, -4.6 को जोड़े तो 2 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस आप भली भांति जानते होंगे। और 8 को -3 को जोड़ा तो 5, -4.9 को जोड़ा तो कितना, 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब इसका कोई काम नहीं आपको करना है, यहां पे ध्यान दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 5 दुना कितना, 10, और घटा दीजिए उसमें से, तो 5 दुना 10, और 2 पंचे 10। देखिए, अब 2 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 10 में से 10 क्या, तो 0 बटा 2, कोई भी डिजिट से 0 में भाग दोगे तो क्या होगा, 0 का 0 होगा दोस्तों। तो इसका जो है सो निर्देशांक कितना निकल गया आपको, 0 निकल गया इसका आंसर। देखिए कितना इजी है, अगर आप समझ गए होंगे ना तो तुरंत आप क्या कर लोगे दोस्तों, बना लोगे। केवल एक बार आपको समझना है, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं, कोई निर्देशांक आप ले लो और उसमें से जोड़ोगे तो 0 के बराबर आ जाए। तो 8.-4 लिया, इन दोनों में मैं जोड़ दिया तो 2.2 और 5.5 आ गया। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको घटा देना है। जैसे 5 × 10, -5 × 10, तो 10 में से 10 गया 0, और 2 से भाग देना है तो 0/2 बराबर कितना, 0। तो इसका निर्देशांक कितना निकल गया, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया दोस्तों, तो 0 निकल गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। कभी कभी आपको माइनस में निकलेगा, तो माइनस में निकले तो याद रखिए, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो वो हमेशा धनात्मक में ही नियामक ज्यामिति में लिखा
आ जाता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है तो माइनस में होगा तो उसको प्लस में ही लिखना है। तो आप मैं आप लोगों को क्या बोला कि कोई निर्देशांक आप ले सकते हो दोस्तों। जैसे मैं देखिए मान के चलिए अगर मैं ये लेता तो इससे भी जो है सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे मान के चलिए मैं आप लोगों को क्या बोला कि कोई निर्देशांक आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे इसको अगर ले लोगे आप तो जैसे देखिए छह में कितना आप जोड़ोगे तो छह जोड़ेंगे और माइनस कितना छह जोड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को क्या बोला दोस्तों, कोई भी निर्देशांक आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो मान के चलिए ये मैं ले लिया, देखिए इसमें कितना जोड़ोगे जो जीरो के बराबर आ जाए, तो छह और इसमें माइनस छह, तो ये कितना के बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, आ गया ना दोस्तों। अब देखिए मैं आप लोगों को क्या बोला कि जो जोड़िएगा इन दोनों में जोड़ के आपको लिखना है, तो इन दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, छह को और माइनस आठ को जोड़िएगा तो माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू, चार को माइनस छह को जोड़िएगा तो आपको माइनस टू हो जाएगा ना, इतना हो गया। अब इतना को इतना से जोड़िए तो छः को माइनस तीन को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। माइनस छः को नौ को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तीन होगा, इतना हो जाएगा। अब ये जीरो का कोई काम नहीं है, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस छः, तीन दुना छः, माइनस छः हो जाएगा। आपको घटाना है, याद रखिए घटाना है, तो इनको गुना कीजिए तो तीन दुना छः माइनस छः हो गया, और इसको आप गुना कीजिएगा तो तीन दुना छः माइनस में होगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दो से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो जीरो बटा दो बराबर कितना निकल गया, जीरो। देखिए जीरो का जीरो निकला कि नहीं दोस्तों। इस प्रकार से आप कोई भी, जैसे कभी भी अगर कहेगा ना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए, तो आराम से इस ट्रिक का फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई निर्देशांक आप एक ले सकते हो और इसी नियम का जो है सो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, फॉलो कीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए, सेम का सेम वही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षों का निर्देशांक मैं केवल चेंज कर दिया, 1.2 है, -4, -3 तथा 4.1 है दोस्तों। देखिए मैं चेंज कर दिया, इसको आप तुरंत कैसे बनाओगे, सेम वही नियम। मैं आप लोगों को क्या बोला, कोई एक निर्देशांक ले लेना है और इसमें आप कितना जोड़ोगे जो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसमें कितना जोड़ोगे आप, तो देखिए 1 जोड़ोगे, 1 माइनस 1 जोड़ोगे तो जीरो के बराबर हो जाएगा, और इसमें अगर आप 2 अगर जोड़ोगे तो कितना, माइनस 2 जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। देखिए दोस्तों मतलब कोई एक निर्देशांक आपको ले लेना है, कितना जोड़ोगे जो जीरो के बराबर हो जाए, है ना। तो देखिए अगर एक में से एक अगर मतलब ये दोनों को जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा, इतना दोनों को जोड़ोगे तो कितना, जीरो आ जाएगा, है ना। इस संख्या को लिए ना, तो इस संख्या को आप जोड़ के यहाँ पे आपको लिखना है, तो माइनस वन को और माइनस चार को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस पांच हो जाएगा। माइनस दो और माइनस तीन को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस पांच हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए फिर माइनस वन को चार को जोड़िएगा तो आपको तीन हो जाएगा, अब माइनस दो को वन को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको, तो माइनस वन हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को क्या बोला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दो से भाग दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पांच या पंद्रह, तो माइनस पंद्रह हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह होगा, देखिए पांच या पंद्रह माइनस पंद्रह और माइनस का चिन्ह, तो अब इनको गुना कीजिएगा तो पांच वन को गुना कीजिएगा तो पांच होगा, तो वो माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस से रहेगा, तो यहाँ पे पांच हो जाएगा। बट्टा में कितना से भाग देना है आपको, दो से, तो माइनस माइनस प्लस सी माइनस का, तो माइनस बीस बटा कितना दो, अब बराबर कितना निकल गया, माइनस दस निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, माइनस दस निकल गया। तो आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, दस निकल गया। मैं आप लोगों को क्या बोला था, अगर माइनस में निकले ना तो क्षेत्रफल कभी भी धनात्मक नहीं होता है, सॉरी दोस्तों क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, जो माइनस में निकलेगा वो प्लस में ही इसका उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया दस, कितना निकल गया दोस्तों, दस वर्ग इकाई निकल गया। तो देखिए कितना ईजी था, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पांच या पंद्रह माइनस पंद्रह, आपको घटाना है ना तो माइनस दिए, पांच पांच को वन को गुना करेंगे तो पांच, तो दोनों माइनस में है ना, तो माइनस माइनस क्या प्लस है, तो इसीलिए माइनस प्लस माइनस है हुआ, तो माइनस बीस बटा दस। ये छोटा मोटा माइनस प्लस प्लस माइनस आप भली भांति जानते होंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब है कि इस वीडियो में बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि इसमें आप पूरी डिटेल्स में बताया है तो कुछ ट्रिक बताइए, तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को ट्रिक बताया। आप कोई भी अगर कभी भी अगर कहेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों निर्देशांक आपको दिया रहे, तो इस ट्रिक का फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, तो पांच सेकंड में क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। केवल आपको एक बार समझना है दोस्तों। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।